सीएसके वर्सेस मुंबई बहुत बड़ा मैच ये खेला जाएगा कल मुंबई के ग्राउंड में। दोनों ही टीमें हैं बेताब, अपनी एक टीम को चाहिए दूसरी जीत, वहीं दूसरी को चाहिए पहली जीत। तो क्या किसी को मिलने वाली है जीत और किसको मिलने वाली है हार, ये तो समय बताएगा। मैं समय से पहले तुम्हें बताने वाला हूं मैं, तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों, जल्दी से बात कर लेते कल के मैच की, जो कि आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी राइवलरी कही जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीएसके वर्सेस मुंबई, एक बहुत ही बेहतरीन राइवलरी है और एक बहुत ही बेहतरीन ये मैच होता है जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने टकराती है। फिर चाहे मैच लो स्कोरिंग हो चाहे हाई स्कोरिंग हो, एक तरफा मैच हमने आज तक देखा नहीं है और उम्मीद रहेगी कल भी कि एक इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिले और जो भी टीम अच्छा खेले उसको जीत जरूर मिले। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि भैया कल तो है मैच, वहीं बात कर लेते हैं इनकी परफॉर्मेंस की। तो मुंबई दोस्तों अभी तक अपने 2 पॉइंट ढूंढ रही है, उनके 6 मैच हो चुके हैं और जैसा कि तुम्हें पता है कि अभी तक उन्हें पहली जीत नहीं मिली है, वो हो गए बहुत ज़्यादा परेशान और ढूंढ रहे हैं अपनी पहली जीत। तो उम्मीद करेंगे कि मुंबई कल जो है मैच जीते और अपना खाता खोले। अगर मुंबई कल गलती से हार जाती है तो फिर दोस्तों मुंबई का अब इसमें प्लेऑफ में पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो अब तुम्हारे हिसाब से क्या है ये तो तुम जानो, पर मुंबई अगर कल गलती से भी हार गई तो फिर वो हो जाएगी इस टूर्नामेंट से बाहर। वहीं बात करेंगे चेन्नई की, चेन्नई को एक बार जीत मिल चुकी है और चेन्नई को दूसरी जीत भी मिलते मिलते रह गई थी। अगर वो क्रिस जॉर्डन ऐसी बॉलिंग ना करता तो भैया चेन्नई के खाते में 2 जीत हो जाती और 4 अंक खुद के हो जाते, पर जो होना था वो तो हो गया और मिलर के जो 94 रन थे उस वजह से चेन्नई वो मैच हार गई, जो कि एक तरफा जीता हुआ मैच था। 3 ओवर में इतने रन मराने बहुत मुश्किल थे, पर जॉर्डन ने कर दिखाया और सीएसके को हरवा दिया वो मैच। वही मुंबई के साथ भी 2 मैच ऐसे हुए, वो जीते जीते हारे हैं। चलो ये तो कोई पुरानी बात, अब कर लेते हैं कुछ नई बात। तो ये मैच खेला जाएगा दोस्तों इस मैच ग्राउंड में, जो कि डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई का एक ग्राउंड। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चक्के चौके देखने को मिलेंगे तुम्हें और मुंबई भी कल जैसे चाहेगी और चेन्नई भी चाहेगी, क्योंकि चेन्नई के बैट्समैन तो फॉर्म में है, वहीं मुंबई के बैट्समैन अभी तक फॉर्म में नहीं आए हैं। मुंबई चाहेगी कि भैया अब तो जाग जाओ, अब तो फॉर्म में आ जाओ, वरना अगर कल नहीं फॉर्म में आते हैं तो भैया टीम जो है ले डूबेंगे। वहीं दोस्तों बात कर लेते टॉस की, रात का मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉस। छोटा एक ग्राउंड है, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चेस करना चाहेगी और जो भी टीम पहले खेलेगी वो 200 प्लस तो एटलीस्ट मारना चाहेगी, नहीं तो 180 तो मारना ही चाहेगी, वरना इससे कम में तो भैया उम्मीद ही नहीं है कि जीत जाए। वहीं दोस्तों टीम में कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही टीमें इतना बेहतरीन खेली थी अपने एंड से, वो एंड मोमेंट पे जो होना था वो तो हो गया। पर इस मैच में दोस्तों अब मुझे लगता है कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि चेन्नई और मुंबई का मैच जब भी हुआ है मुंबई का पलड़ा हमेशा भारी रहा है और कल भी मैं उम्मीद करूंगा कि मुंबई जीतेगी। आप भी कमेंट कर जरूर बताना आपको क्या लगता है कल कौन जीतने वाला है। मुझे तो लगता है मुंबई जीतेगी। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।